मतलब कि आर ओ की सर्विसिंग कैसे करते हैं आप, हर कंपोनेंट्स का प्रॉपर असेंबल करना। अब इसमें देखिए, इसका जो नट है फ्लोट का क्लोज, हम इसे जो कनेक्शन करेंगे पोल पे करेंगे, नॉर्मल क्लोज है, ये दोनों शॉर्ट होंगे, जैसे पानी भर जाएगा ना ये, तो ये ऊपर को उठ गया। ये हमारे सर पीछे से एक वाटर आगे प्री फिल्टर सब आ जाएगा, ये है ना, ये सेडिमेंट हो गया, सेडिमेंट के बाद कार्बन, कार्बन के बाद एच वी। काइसी जम जाती है, बहुत गंदा हो जाता है, तो जब भी कस्टमर के यहाँ जाते हैं तो पूरा ये सफाई करना पड़ता है। ये इसका जो फ्लोट है ये बिल्कुल अंदर से इसकी प्लेट है, इसमें ऐसे स्टे करेंगे तो बहुत ही क्लीन होना चाहिए कम से कम, है ना। इसका चाहिए नट बोल्ट लगाओ इस पर, है ना, उसे ना फ्री ऐसे फिट करके ना इसका एक प्रॉपर चैनल। मतलब कि आर ओ की सर्विसिंग कैसे करते हैं आप, हर कंपोनेंट्स का प्रॉपर असेंबल करना। और इसमें देखिए, इसका जो नट है फ्लोट का, इसकी बोर्ड से कैसे अटैच करना है, ये स्टूडेंट ने फिट कर दिया। चलो इसमें इस पे रखो, ये प्रॉपर ऐसे होना चाहिए, देखिए ऊपर उठाओ उठाओ, ये ऐसे होना चाहिए ताकि इसमें नीचे टच ना हो, इसे बेंड करो इधर को, इस साइड को घुमा दो इसे, हाँ और इधर भाई इस साइड को कर, ये इसका ये जैसे मान लो ये जब उठेगा ना ऐसे होना चाहिए, नहीं तो इसमें इसमें ये टच हो सकता है इसमें, तो ये फ्री फ्री मूव करना चाहिए बस मेन चीज़ें, जैसे ये ना इस एंगल पे, इसका एंगल का ध्यान रखना आपको। अब इसके दो स्क्रू टाइट कर दो साथ साथ, वन अनदर वन कहाँ है, दूसरा कहाँ भाई, मतलब प्रॉपर एक आर ओ कैसे असेंबल करना है पूरा डिस्कनेक्ट कर दिए, सारे कंपोनेंट निकाल दिए इसके, इसकी पूरी पाइपिंग कंपोनेंट, कार्बन सेडिमेंट, एच वी, बूस्टर पंप कैसे असेंबल करेंगे सारा टोटल, अभी पूरा कंप्लीट स्टूडेंट आपके सामने करेगा। स्क्रू स्क्रू गैप हो गया, ये सेडिमेंट है, ये कार्बन हो गया, एच वी कहाँ है इसकी, ये एच वी होगी, सारी कंप्लीट अपने पास भी रखें ताकि वीडियो को देखने की दिक्कत हो। हाँ तो ये हो गया हमारा, क्या चीज़ है, माइक्रो स्विच है ना फ्लोट का, फ्लोट माइक्रो स्विच बोलते हैं इसको। तो सिंपल इसमें क्या होता है कि इसका पोल और नॉर्मली क्लोज, हमेशा जो कनेक्शन करेंगे पोल पे करेंगे, नॉर्मली क्लोज है, ये दोनों शॉर्ट होंगे, जैसे पानी भर जाएगा ना ये, तो ये ऊपर को उठ के जैसे फ्लोट, तो ये डिसकनेक्ट कर देगा, तो सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा, है ना। तो इसकी बस केवल इसका वायरिंग का ध्यान रखना है, और इसमें ये लगाओ एस वी रख लो यहाँ पे, साथ साथ कनेक्शन बाद में कर देंगे, इसके पिन वगैरह सारे जितने भी ना वो रखो अपने पास, जितने पिन निकाल लेना इसमें सारे कंपोनेंट को निकाल दो, है ना, पिन निकाल लो सारे इसके, ये ले लो अपना, इसकी इसकी जो वायरिंग बाद में कर पहले बना दो, हाँ चलो ही कर लो कोई बात नहीं, पहले इसमें इसमें यहाँ लगाओ ना यार, इसका बूस्टर पंप की जो इनपुट है ना इसको पाइप लगा लो, नहीं तो फिर आने में दिक्कत आएगी, मतलब काम ऐसे करना है कि जैसे इसमें इसमें पाइप लगाओ पहले, यहाँ पे इसकी इनपुट है ना इनपुट, ये देखो इसमें रिजेक्शन, इसके ऊपर टॉप का, टॉप का कवर, टॉप कवर का भाई, ये इनपुट है ऊपर वाली, नीचे वाली आउटपुट है ना इसमें, ठीक है ये आउटपुट है, वेस्ट वाटर है ना ये, ठीक है ठीक है, यहाँ पे चलो लगा लो, यहाँ से निकला तो भाई ये हो गया हमारा, इसकी रॉ वाटर है ना इनपुट, ठीक है पीछे से आ जाएगा, और यहाँ पे लगेगा सेडिमेंट, ये आ जाएगा हमारा वेस्ट वाटर का पाइप है ना, ये मतलब प्रॉपर इंसर्ट करके भैया, लीकेज नहीं होना चाहिए मेन, इसमें ये है कि लीकेज नहीं होना चाहिए बस, सबसे बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है लीकेज की प्रॉब्लम होती है आर ओ के अंदर, ये हो गया। अब इधर पहले लगाओ क्या सेडिमेंट फिल्टर लगा लो इसका इन आउट, हाँ हाँ इसमें इनपुट और आउटपुट मतलब किधर से इन है किधर से आउट है, ये बहुत जरूर इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, इसके ऊपर मेंशन होगा ये यहाँ से ही ना ये आउट है, ठीक है तो इसमें ऐसे लगाओ इसको लाइक दे, यहाँ लगाना इसमें ऐसे ये इन
आउट है इस साइड। हाँ हाँ, तो इधर से इनपुट दे देंगे ना, इधर से ऐसे लग जाएगा मेरा। यहाँ से ये वाला इनपुट ही होगा, इनपुट ये वाला है ना ऊपर वाला। हाँ ठीक है, ये पाइप छोटा रहेगा, ये यूं ही लगेगा। नहीं नहीं, मैं बता क्या, इधर से इनपुट लगाएंगे, उधर से फिर कार बनाएगा, फिर यहाँ से जाएगा। और यार बच्चों को समझा ना, मतलब जो मेन है ना। हाँ तो इसके जो पाइप है ना, इसके थोड़ा सा ये वाला लंबा कर लो, ये वाला। हाँ ये थोड़ा लंबा ले लो, उसे निकाल। ये ज़्यादा लंबा है, ऊपर लगा लेंगे ना, जब कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम है, तो इसे ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, इसे निकाल लो, इसे लंबा ले लो। इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इसकी कहाँ पे कौन सा कंपनी निकाले, ताकि इसे जो वायरिंग है वो इजी हो सके। प्रॉपर इंसर्ट हो गया ना, लीकेज नहीं होना चाहिए, याद लगाओ इसे। ठीक है ठीक है, ये हो गया, इसकी डायरेक्शन इनपुट होगी, ये आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे इस पर कार्बन लगा लो, एल्बो, मतलब मेन है कि एल्बो जब भी लगाओ ना, तो नहीं लगाओ हमेशा पुरानी में रिप्लेस कर दो, क्योंकि इसमें लीकेज के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। कार्बन ले लो, कार्बन मतलब इधर से इनपुट होना चाहिए, इस साइड में, इस साइड में आउटपुट होना चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे देखो हो गया, ये सीरीज बन गई, प्रॉपर सीरीज। ये हो गया सेडिमेंट, दिखाओ भाई सेडिमेंट, ये सेडिमेंट फिल्टर हो गया हमारा, ये वाला सेडिमेंट फिल्टर हो गया। ठीक है, ये कार्बन आ गया, सीरीज हो गया। हाँ, और ये इसकी जो ये आउटपुट होगी कार्बन, ये जगह है हमारे एस वी में जाएगा, एस वी सोलर नेटवर्क। तो यहाँ से देखिए सेडिमेंट से 5 माइक्रोन तक के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर हो जाएंगे सारे। और अब जैसे कार्बन से इसका ऑर्डर, इसकी बदबू, टेस्ट, वो सारी क्लोरीन गैसेज वगैरह केमिकल जितने भी सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे सारे, यहाँ पे ना खत्म हो जाएगा पानी। तो यहाँ तक पानी प्योर हो गया। एच पी की डायरेक्शन चेक कर लो, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे लगाओ इसको। ये एच पी की इनपुट और कार्बन की आउटपुट, ये हो गया ठीक है। अब इसमें बूस्टर पंप की, इसकी जो आउटपुट है ना, बूस्टर पंप पे लगा दो, ये आ गया, बूस्टर आ गया ना, ये वाला कोई आ गया ना, ये बेल लगा दो। ये वाला इसका बूस्टर पंप की इनपुट पे चला गया। तो क्या वो हमने देखो कितने कंपोनेंट लगे हमारे, ये हमारे सर पीछे से एक वाटर आगे प्री फिल्टर सा आ जाएगा, ये सेडिमेंट हो गया, सेडिमेंट के बाद कार्बन, और कार्बन के बाद एच वी सोलर नेटवर्क, और उसके बाद हमारा बूस्टर पंप, और बूस्टर पंप के बाद कहाँ जाएगा हमारा मेम्ब्रेन लगा लो, सिर्फ क्लैंप ले लो, क्लैंप, एक क्लैंप ये हो गया, और दूसरा क्लैंप का है ये लगा लो, दोनों यहाँ पे लगा लो, ऊपर वाले इसमें लगा लो। ये आ गया मेरे भाई, ये आ गया, यहाँ से आ गया, इसमें बूस्टर पंप ऐसे लगा, ऐसे लगे, क्योंकि इधर से आएगा नहीं वाला। इसकी फिर ये यहाँ से ले लो इसकी इनपुट, ये बूस्टर पंप की आउटपुट आ गया, आउटपुट छोटी छोटी कम देगी भाई। ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, सही है चल रहा है, मतलब ये आवाज़ वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, बस मेन चीज ये ना, जो वाइब्रेट करेगा नहीं तो पाइप की दर से निकालना होता है इसको हमें, मगर चलो कोई बात नहीं, जब चेक करेंगे बाद में देख लेंगे फिलहाल, है ना। अब इसकी जो आउटपुट है ये भी, हाँ ये वेस्ट वाटर, हाँ ये वेस्ट वाटर कैसे लगाएंगे सर, हाँ ऐसे ऐसे लगा दो, कोई बात नहीं, ठीक। ये वेस्ट वाटर हो गया, यहाँ से प्योर वाटर ले लो, प्योर वाटर कहाँ से फाइनल इसमें आ जाएगा ना, इसमें फाइनल इसमें दे दो बस, केवल ये हमारा फाइनल प्योर वाटर आ गया हमारा मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि हमारा जो TDS है उसको कम करना, यदि इनकमिंग जो TDS है 1000 TDS है तो कितना कर देगा, 90% 90 से 95 रिजेक्शन कर देगा, मतलब कम से कम
50 से लेकर 100 की रेंज तक का पानी अवेलेबल हो जाएगा ये वाला ना। तो ये वाला फाइनल आउटपुट होगी हमारी। अब इसमें ये एफआर लगा दो, एफआर का लगा इसी डायरेक्शन डायरेक्शन में ध्यान रखो। एफआर मतलब आउटवर्ड, बाहर से होना चाहिए, आउटफ्लो होना चाहिए है ना। 550 मतलब 550 ml पर मिनट पानी का जो इसका निकलेगा इससे है ना। एफआर का मतलब ये है, इसका हो गया। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसकी अभी ऐसे कर लो, ये वाली इसी इनपुट लगा के छोड़ दे, एक पास छोड़ दो, अभी चाहे बाद में टेस्टिंग कर लेंगे, फिलहाल इसकी वायरिंग कर दो कम्प्लीट, ये हो गया ठीक है। अब इसमें ये लगाओ, इसकी वायरिंग करो, अडेप्टर ले लो, अडेप्टर कहाँ हमारा। अब इसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग करेंगे, क्योंकि हमारा जो बूस्टर पंप है SV है, ये 24 वोल्ट पे ही ऑपरेटेड है, तो 24 वोल्ट लगाओ इसमें, लगाओ इसकी लीड, लगाओ इसकी लीड, लगा लो मेन से लगा लो। ठीक है बहुत बढ़िया, इसमें लगा लो इसकी लीड लगा लो। और मैं इसकी टेप टेप देती हूँ, टेप मार के साथ जाते हैं ना। इसमें जो टैग टेप है ना, इलेक्ट्रिक टेप मारते हैं, एसी डायरेक्ट करंट लगने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं यहाँ पे, इसलिए इस पर टेप नहीं करनी। कुछ ये काम है वो बताना, तेरा काम नहीं है, बस बस ठीक है ठीक है ठीक है। ये वाला फेस हो गया, ये न्यूट्रल, तो डायरेक्ट एसी आ जाएगी हमारे इसमें है ना। ठीक हो गया। अब इसके आउटपुट ले लो, डीसी आउटपुट ले लो, तो रिपोर्ट इसमें, फिर इसमें ऐसा करो, फिर कोई बात नहीं, फिर इसमें पीछे से पुश कर देंगे इसे ऐसे ना ठीक है। और यहाँ से इसकी डीसी इसमें ये ले लो भाई। अब इसमें कैसे करेंगे, अब इसका ध्यान रखना, डीसी को ना इस पर इसके द्वारा लेना इस पर फ्लोट, क्योंकि इस पर इस फ्लोट से लेना, इसे कट ऑफ करना, तो पॉजिटिव इस पे ले लो, इस पे ले लो ठीक है। यहाँ पे इसका क्लिप क्लिप ले लो, क्लिप ये ले लो, ये ले लो, इसमें सोए अटैच करके इसमें इस पे टेप मार दियो, लो टेप कहाँ है हमारी, इस पे टेप कर दो। मेन इसकी प्रॉपर वायरिंग कर रहे हैं, मतलब कैसे, मतलब इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे करेंगे, अडेप्टर अडेप्टर का पॉजिटिव सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई कहाँ जानी चाहिए हमारी, फ्लोट माइक्रो स्विच से जानी चाहिए घूम के, डायरेक्ट नहीं देनी, तभी पानी पूरा भर जाएगा, तो क्या होगा, फ्लोट उठेगा, इसको कट ऑफ कर देगा, तो सिस्टम हमारा बिल्कुल एकदम बंद हो जाएगा। तो ये हो गया, ये इसे इस पर दे दो, इसके पोल पे दे दो, माइक्रो स्विच के, माइक्रो स्विच के पोल पे दे दो इसके, ये टाइट होना चाहिए बस ठीक है, नहीं तो ठीक है। ये आ गया, अब यहाँ से इसकी एक यहाँ से ले लो, एक वायर ले लो, कोई से ले लो, ये ले लो, एक ये ले लो, हैं तो यार हमारे पास बहुत है यार, कोई से ले लो, नो प्रॉब्लम है, तो इसे टाइट ये ले लो, ये टाइट ले लो, ये सही ठीक है। अभी आ गया हमारा, देखो ये बूस्टर पंप SV, SV पे लगा लो, दोनों वायर दो, इसके दो वायर ले लो ना, इस पर एक एक क्लिप क्लैंप लग गया, इस पर क्लिप ये लग गया इसे ठीक है, ये इसमें हाँ। अब इसमें क्या क्या करेंगे हम, ये आ गया फाइनल, तो इसमें नहीं, इसमें पता क्या तरीका, सिंपल तरीका, इन दोनों को पैरेलल कर लो, ये सारे पैरेलल कर लो, करो पैरेलल करो, SV का ये ले लो, कोई सा निगेटिव पॉजिटिव कोई इशू नहीं है इसमें, कोई सा कोई सा में लगा दो, क्योंकि ये तो इसमें 24 वोल्ट जाने चाहिए, इसमें निगेटिव पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारे सोलिन एडवाल में, बूस्टर पंप में नहीं होती, मगर इसमें बूस्टर पंप में आधे डालो कि मतलब प्लस में प्लस ही जानी चाहिए ठीक है। इस सिस्टम को आज डाल लो अपने, अभी देखो ये DC सप्लाई आएगी ना पॉजिटिव ठीक है, पहले निगेटिव ले लो, ये निगेटिव ले लो, यहाँ पे लगाओ,
और निगेटिव सप्लाई हमारी डायरेक्ट चली जाएगी। इसे टेप कर दो, इसका रोल खत्म है यहाँ पे निगेटिव। चलो शाबाश शाबाश, ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ये हमारी ये बैटरी का जो निगा अडेप्टर का जो निगेटिव सप्लाई आ गई ना ये वाली, अब पॉजिटिव आनी, पॉजिटिव कहाँ जाएगी घूम के माइक्रो स्विच से, अब इसे यहाँ दे दो बस, इतना सा काम है केवल। इसमें ज़्यादा काम लंबी चौड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं आर ओ को बनाना यार, ये आर ओ हमारा इस टाइम कम्प्लीट आर ओ बन गया हमारा इस टाइम। ये आ गया, चल भाई इसे सप्लाई दे, इसे ये ऑन कर, अभी देखते हैं चालू होते नहीं, तो इसे ऑन कर, इसे मेन्स ऑन कर, पावर ऑन कर, कर। चलिए वेरी गुड, ये देखिए हमारा इसमें इंडिकेटर वगैरह आ रहा है, कुछ इंडिकेटर वगैरह है क्या? हाँ हाँ, ये देखिए अडेप्टर में भी इंडिकेटर आ गया, ठीक है। और मल्टीमीटर क्या है, मल्टीमीटर से 24 वोल्ट दिखा दो, ये डीसी डीसी 24 वोल्ट दिखाओ, 24 वोल्ट कहाँ आएगी, यहाँ पे इस पर दिखा दो, एस पी पे दिखा दो, एस पी पे 24 वोल्ट बस चल रहा है, वो सप्लाई दे रखी, हाँ चल रहा है, चलो लगाओ लगाओ लगाओ, आएगी आएगी यार। अभी सप्लाई क्यों नहीं आ रही भाई, यहाँ पे इसमें मल्टीमीटर मल्टीमीटर तो खराब हो गए थे ना, एक सेकंड यार दिखाओ, ए ये तो बंद हो गया, ये सप्लाई कहाँ से गायब हो गई यार, चेक करो, बूस्टर पंप बंद हो गया ना, चल गया चल गया चल गया, लगा अब लगा यहाँ पे लगा, कहीं से लूज कनेक्शन होगा, वो शायद माइक्रो स्विच का पॉइंट हो सकता है लूज। ये देखिए ये 24 वोल्ट आ गया ना, 23.6, इसके अंदर कहीं से लूज कनेक्शन है, वो वहाँ चेक कर लेंगे, वो 24 वोल्ट आ गया हमारी, इसके अंदर हमारा सिस्टम चल रहा है। अडेप्टर पे इंडिकेटर है, देखिए इंडिकेटर हटाओ, हाथ हटाओ हाथ हटाओ, ये हटाओ ये हटाओ ना यार बस, ये 24 वोल्ट इंडिकेटर आ गया, और ये भी वाइब्रेट कर रहा है, ये लूज कनेक्शन है यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 24 वोल्ट आ तो रही है हमारी, पर यहाँ पे कोई लूज कनेक्शन है, कोई बात नहीं चेक कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं, वो देख लेंगे बाद में, मगर अभी इतना ही इसके काम करना है, ऑपरेट हो गया था, 24 वोल्ट आ गई हमारी, कार्बन सेडिमेंट मेम्ब्रेन बूस्टर पंप एसवी अडेप्टर वगैरह सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह सब कंप्लीट है हमारी, है ना। तो आप एबीसी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, आरओ कंप्लीट आरओ सीख सकते हैं, यहाँ पे टेक्निकली इसके फंक्शन वगैरह हर कंपोनेंट के बारे में डिटेल में समझाया गया, डाल दो प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा, एक वीडियो से बाद में डाल देंगे, फिलहाल ने इसकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वायरिंग कर दी, और इसकी टेस्टिंग करेंगे पानी पे, देखेंगे कोई लीकेज वगैरह उसका टीडीएस वगैरह वो कैसे चेक ना, उसके एक वीडियो दूसरे अलग बना लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।